हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है राइट एज ए फ्रैक्शन। हमें किस में लिखना है इसको? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है हमारा? जहाँ हमारा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर होता है। जैसे 2/4 हमारा क्या है? फ्रैक्शन है। ऊपर वाला क्या होता है? न्यूमिनेटर होता है। और नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। तो हमें इसको किस में लिखना है? फ्रैक्शन में लिखना है। तो क्या हमारा 0.6 है? देखो, जैसे हम पॉइंट हटाते हैं, ये आपको ध्यान रखना, पॉइंट हटाते हैं तो एक तो हम लगा ही सकते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? एक डिजिट है, ये जीरो बढ़ जाते हैं। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 6/10 हो जाएगा। देखो, हमें पॉइंट एक तो हम लगा सकते हैं, एक तो हम कहीं भी नीचे लगा सकते हैं, लेकिन हमें देखना कि कितने पॉइंट है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, उतने जीरो लगेंगे। जैसे यहाँ पे कितना है? 0.9 है। अब भाई एक तो मैंने लगा दिया, एक तो हम लगा ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट? एक है, तो एक जीरो। तो हमारा क्या हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। ऐसे 0.08 है, देखो 1 लगा दिया मैंने। जैसे मैंने पॉइंट हटाया, कितने डिजिट है? 1, 2, तो 2, 0। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 8/9। अब इस जीरो को कोई मतलब नहीं रह गए, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? 8/100 हमारा क्या बन गया? फ्रैक्शन बन गया। ओके, ऐसे हमारा क्या, देखो 22 कितना है? 4 है। देखो, जैसे मैंने पॉइंट हटाया, 1 तो हम लगा ही सकते हैं नीचे। जैसे हमने पॉइंट हटाया, कितने डिजिट पीछे? 1 है, 1, 0। तो हमारा फ्रैक्शन 2/24 कितना हो गया? 10 हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे देखेंगे 7.025। हमने फ्रैक्शन में करना है, तो इसको हटाएंगे तो 1 तो आ ही जाता नीचे। जैसे इसको हटाएंगे, कितने? 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 जितनी डिजिट होते इतनी, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होंगी उतने जीरो बढ़ेंगे। तो 7.025 कितना हो जाएगा? 1000। ऐसे हमारे पास 8.025 है। जैसे हटाएंगे, देखो 1, 2, 3 तो क्या आ जाएगा? 8025/1000, ये फ्रैक्शन हो गया। ऐसे 192.92 है। जैसे इसको हटाएंगे तो 1 तो लगा ही सकते हैं, 1, 2, 2, 0 19292/100। ऐसे हमारा 4.006 है, इसको हटाएंगे 1, 1, 2, 3 कितना? 4006/1000। यहाँ 20.46 है। जैसे हमने पॉइंट हटाया, 1 तो हम लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद कितने? 2 डिजिट है, 2, 0। तो 24/6 कितना हो जाएगा? 100। तो ऐसे में इसको किस में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ओके।